हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशुन। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से खूबसूरत से इस चैनल में। और गाइज, ये चैनल हमारा नहीं, आप सबका है, क्योंकि आप सब इतना प्यार करते हैं हमें कि अब ये हमारा नहीं रह गया, ये आप सबका है। और आज का ब्लॉग थंबनेल देख के आप लोग समझ गए कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग पूछ रहे हैं कॉमेंट में। तो आज हम चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन का आपको देंगे हम लोग आंसर। हमारे साथ हैं हमारी धर्मपत्नी जी यानी मिसेस प्रशुन। और मैच देख रहे भाई साहब, ब्लू ब्लू समझ सकते हैं ना, अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है ये बताइए आप, है? नहीं, मेरे साथ आपको कैसा लग रहा है? हम तो सुबह पहने हुए हैं, ये अभी पहने हैं ब्लू। मैं पूछा मेरे साथ कैसा लग रहा है सुबह से पहने हुए। एनीवे गाइस, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि नए बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, नई फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स हमारे आ चुके हैं। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन यही कर रहे हैं कि भाई, सचिन मनीषा से आपका क्या रिश्ता है? क्या मतलब निशा और सचिन की अपनी बहन है? इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कई दिनों में, मतलब जब हम कमेंट्स को देख रहे हो, बहुत सारे कमेंट्स अभी पेंडिंग में है। क्योंकि गाइज, इतने सारा कमेंट्स आ रहा था कि कैसे हम लोग रिप्लाई करो। उसमें बाबू है छोटी सी हमारी, उसको भी थोड़ा बहुत केयर करना है। तो ये मैं चाहूँगा कि निशा आपको बताएगी कि क्या रिश्ता है हमारा, बताइए सचिन मनीषा से हमारा क्या रिश्ता है जल्दी। सचिन भैया के साथ मतलब वैसे तो हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट ब्लड रिलेशन से भी बढ़ के है, बहुत मानते हैं हमें, हम भी उनके अपने बड़े भैया जैसे मानते हैं। भाभी भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और डेली बात होता है, कल रात भी बात हुआ है। वैसे तो मतलब अभी डेली आजकल बात हो रही है, लेकिन ऐसे डेली बात नहीं भी होता है तो मतलब ये नहीं है कि रिश्ते में कोई कमी है भाई। जब भी बात होता है इतना मस्ती करते, इतना मजाक करते हैं भैया के साथ। और गाइस, अगर मैं बता दूं ना कि अगर आप चाहते हैं कि डीपली जाना चाहते हैं कि कैसा रिलेशन है कैसे भाई, कैसे हम लोग जाने एक दूसरे को, कैसे तो जाने पहचाने, सचिन मनीषा से हमारा रिश्ता पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीन ब्लॉग्स है जो पीछे है, बहुत पीछे है वो ब्लॉग्स, आपको जाकर ढूंढना पड़ेगा। सचिन मनीषा से हमारा रिश्ता 135 अप्रोक्सीमेट, 130, 131, 135 के अराउंड होगा। तो आप जाकर उसे देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर हमारा क्या रिश्ता है और आखिर क्यों हम इतने मतलब फैमिलियर जैसे रहते हैं, या ब्लड रिलेशन से भी खास वो रिश्ता है हमारा, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का तो आई होप मैंने आंसर दे दिया है निशा ने। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि तनु और आशीष कौन है? अच्छा। तो अब आप बताइए, तनु और आशीष के भी बारे में बहुत सारा कॉमेंट्स आ रहा था क्योंकि आशीष हम लोग के साथ आया था, तो बताइए आशीष के बारे में क्या बताओ। आशीष से भी हम अम्बाला में ही मिले और मतलब अम्बाला में जिन लोगों से मिले हो ना, मतलब एक ऐसा रिश्ता बन, किसी के साथ बताऊं तो ब्लड रिलेशन नहीं है, ना रितु दीदी के साथ, ना भानु दीदी के साथ, ना आशीष के साथ, ना तनुज के साथ, ना सचिन के साथ, सचिन भैया के साथ, ना भाभी के साथ, ना ही राशिद के साथ, ना ही राशिद के साथ, ना ही कृष्णा भैया के साथ, बट एक मतलब एक फैमिली बन गई है वहाँ पे, एक पूरा अच्छा फैमिली बन गया सबको। ऐसा एक पल भी गाइज हमें एहसास नहीं होता कि वो हमारे परिवार का हिस्सा ना हो। अब इसमें अगर आप किसी को कुछ दिखता हो, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, ऐसा भी नहीं कि हाँ YouTube के लिए ये रिलेशन जुड़ा हुआ है। जब सचिन भाई YouTube पर नहीं थे तब से हमारा रिश्ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हाँ ये श्योर है, और हम लोग कहेंगे कि अगर आज हम लोग YouTube पे ब्लॉग बना रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें सचिन भाई और मनीषा का मतलब पूरा सपोर्ट है कि आप बनाओ। बहुत इंसिस्ट किए, बना यार बना, हम तो बनाना ही नहीं चाहते थे, बट एक टाइम पे मुझे बहुत ये लगता था कि यार ये फालतू काम है सच बताऊं तो, बट अब बहुत मजा आता है। आप लोग इतना प्यार करते हैं ना कि धीरे धीरे मजा आने लगा कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे अपनी दिल की बातें कह सकते हैं, अपनी लाइफ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातों को मतलब कहना, तो अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि यार ये बेटर, एंड ईच एंड एवरी डे इंटरेस्टिंग होता है, मतलब लगता है कि कुछ नया करे और कुछ नया चीज अपने व्यूवर्स को दिखाए ताकि उन लोगों को मजा आएगा, कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग। नहीं तो पहले तो ऐसे बोरिंग सा कोई भी कपड़ा डाल लो, कुछ भी कर लो। अब है कि अच्छा अब कपड़ा पहनना लगा के आने के पहले, मतलब मैंने बोला ब्लॉग शुरू करें तो मैं तो एज यूजुअल नॉर्मल रहता, लेकिन भाई साहब लड़कियों को तो समझ सकते हो, लड़कियों तो ये आने के पहले क्या करती थी। अभी हमारे साथ ना एक प्रूफ के लिए हमारे छोटे से प्यारे से कजन ब्रदर है हमारा, जो बस इधर आ जाओ अरे इधर आओ तो सही, ये बताएगा कि क्या कर रही थी, जल्दी आओ, ये थोड़ा शर्मा रहा, जल्दी आओ, आओ आए, कुछ नहीं होगा, आइए तो सही। अरे कुछ नहीं होगा, आ जाओ, अरे देखिए, अरे ठीक लग रहा, वो भी मेकअप ऐसे ऐसे कर, ठीक हो, आ जाओ भाई, शादी नहीं, शादी के लिए। हाय गाइस, तो ये जरा इधर आ जाओ, ये भी ब्लू है, देख ये, ओ भाई ये भी ब्लू,
तो इनका नाम है कार्तिक, और कार्तिक जरा थोड़ा सा करीब आई फ्रेम में है, और आप बताइए कि आने के पहले भाभी क्या क्या की हैं? अभी लड़ाई की थी पहले तो ये बात नहीं बोलना था उसके बाद ये अभी तैयार हो रही थी, पहले जैसे ही भैया ने बोला कि मुझे ब्लॉग शूट करना है वैसे ही ये तैयार हो गई अपना किट लेके कौन सा किट, उसमें क्या क्या था? उसमें लिपस्टिक था, पाउडर था, सब था, क्रीम था तो गाइस यही है। तो एनीवे नहीं ऐसे भी मतलब मैं सुबह में नहा वहा के फ्रेश होकर रेडी हो गई थी, तो शाम को भी थोड़ा सा कंघी वगैरह करना पड़ता है, तो वही एज यूजुअल मैं कंघी कर, क्योंकि थोड़ा देर पहले मम्मी जी का कॉल आया था, मतलब छोटी मम्मी का कॉल आया था कि थोड़ा ऊपर आओ, तो वो भी कुछ सरप्राइज गिफ्ट है, अभी जाएंगे तो पता चलेगा। बट एनीवे तो अभी हम बता देते तनु और आशीष के बारे में, आते बताते हैं कि तनु जो है वो सचिन भाई के स्टूडेंट है, सचिन भाई पढ़ाते हैं सिवान में, पहले पढ़ाते थे, तो अभी वो उनके स्टूडेंट है, और वहीं पर जिस कॉलेज में मनीषा पढ़ती उसी कॉलेज में तनु का भी एडमिशन सचिन भाई ने ही कराया, एक उनसे उनका फैमिली रिलेशन है, तो इसके कारण हम लोग अम्बाला में रहते, तो इसी से हमारा तनु से भी जान पहचान हुआ, क्योंकि तनु हमारे साथ ही रहती थी, तो अब एक साल जब हम लोग रहे हैं तो सबके साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया कि गाइस समझ सकते हो लोग दो चार दिन में इतने लोगों के करीब आ जाते हैं, हम तो एक साल रहे हैं, तो हमें लगता है कि बस वो फैमिली है हमारी, ये समझ सकते हैं आप। तो इसीलिए तनु और आशीष दोनों भाई बहन हैं, और आशीष अब आ गया बिहार, क्योंकि तनु का जो है अब तनु हॉस्टल अपने शिफ्ट हो जाएगी, कुछ दिन सचिन भाई के साथ रहेगी, तो पहले तो हम लोग रेंट वाले घर पे सभी रहते थे, आप लोग देखे भी हैं, और अब सचिन भाई का अपना घर हो चुका है, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इतने कम उम्र में अपना सपनों का घर होना, तो कहीं ना कहीं इसमें सचिन भाई का बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मनीषा भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, उन दोनों के मेहनत पाया है अपने लाइफ में ये सफल हो रहा है। बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से कि और ऐसे वो आगे बढ़ते रहे अपनी लाइफ में। और थर्ड जो क्वेश्चन है कि भाई साहब कि हम लोग अपने बारे में कुछ बता दें जो नए व्यूवर्स थे बहुत सारे, कि आप लोग कौन हो, कहाँ से हो, तो मैं बिहार से हूँ और ये वेस्ट बंगाल यानी बंगाल से हैं, और हम दोनों पति पत्नी हैं और हम दोनों पति पत्नी हैं गलती से एक्चुअली गाइज अभी शादी कैसे हुई वो तो हम अपना लव स्टोरी और बहुत सारी वीडियोज़ है, आप लोग कमेंट जरूर करें कि कितने लोग, अगर 1000 से ज़्यादा लोग कमेंट कर दिए कि भाई हमें जानना है आपकी लव स्टोरी कैसे हुई है, लव स्टोरी है, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, क्या है, तो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन 1000 से ज़्यादा कमेंट जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम बता देंगे। तो ये है, तो हमारी शादी हुई और 4 साल हो गए हैं कम्प्लीटली, काफ़ी अच्छा लगता है, एक अलग ही मतलब शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये भी खा के पछता रही और मैं भी खा के पछता रहा हूँ, बट मज़ा उसका अलग है ना बाबू, सच बोलो ना, जो भी होगा हमारी प्यारी सी जो बिटिया है ना वो सब कुछ है, हमें जो मिला वो हमारी इन्होंने दिया, हमारी तितली को प्यारी सी, तो आप लोग तितली को देखते होंगे, अभी तितली है नहीं, दादी के साथ अपने टूर पे गई है घूमने के लिए। तो ये गाइस मतलब 3-4 जो क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा थे, लोग पूछ रहे थे, तो आई होप आप लोग को पता चला होगा, और मैं मतलब बिहार में मैं छपरा से हूँ, तो अभी हम लोग कोई अम्बाला भी जाने का, और हाँ हाँ, और आप लोग को ये भी बता दूँ कि बहुत सारे ये लोग कह रहे थे कि आप लोग अम्बाला क्यों नहीं रह जा रहे, यहीं पर घर ले लो, फ्लैट ले लो। गाइज हमारे पास ये ऑफर पहले से था, और अब अपना घर है, सचिन भाई का घर है, तो वो भी हमारा अपना घर है, हम अपने जैसे हैं, हमें जब मन करेगा हम जाके रह सकते हैं, हमें अलग अगर वहाँ रहना होगा तो अलग से फ्लैट लेने की ज़रूरत नहीं है, भानु दीदी का घर है, सारे कॉलोनी वालों का घर है भाई, एक एक रूम मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ ये है कि हम जब साथ में होते हैं तो बहुत मज़ा आता है, मैं भी खुल के रहता हूँ, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं टाइम नहीं मिल पाता, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी इंस्टीट्यूट चलती है, और मैं कैसे ब्लॉग शूट करूँगा, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बट चलिए कोई नहीं, और बहुत जल्द अभी आप लोग को सरप्राइज देंगे कि हम लोग फिर से बता दें क्या नहीं, अच्छा चलो ठीक है, मतलब चलो आपको बताएंगे धीरे धीरे बताएंगे क्या आपको कहते हैं ना, क्या बोल गए, तो एनीवे गाइस तो आशा करते हैं आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उसके आपको आंसर मिल चुके होंगे, तो मिलते हैं आपसे एक अगले फ्रेश ब्लॉग में, ऐसी खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए, और हाँ गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम आईडी है पंकज निशा प्रसून, ठीक है, और फेसबुक पेज का भी लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए उसे भी क्या करेंगे फॉलो कर लीजिएगा, और भर भर के कॉमेंट और सपोर्ट करते रहिए, तब मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।